ये आ गया तंदूर से बाहर। ओ भाई साहब क्या ये आ गया जी, बटर काफी सारा। ओ बल्ले 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 बल्ले। और ये देखिए भाई साहब, ये है जी असली मजा। और ये आ गया जी प्लेट के अंदर रेडी। तो अमृतसर कुलचे के लिए ना जलंधर में आज एक बहुत ही बढ़िया जगह पे आ गए। आप मेरे पीछे देख रहे हो एम्पायर हवेली। अगर आप मेरे पीछे देखोगे इधर से नकोदर चौक से हम लोग आए हैं और ये अवतार नगर रोड है। आप कह लो कि यहाँ पे एक रीजेंट पार्क नाम का एक फेमस होटल है, उससे थोड़ा सा आगे आओगे आप तो वहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्पेशल है। सत श्री अकाल जी, मैं एम्पायर हवेली का ओनर। ये चने हमारे विदाउट लहसुन विदाउट अदरक, कोई अदरक नहीं कोई लहसुन नहीं जी। ये चटनी है सर, ये हमारी स्पेशल चटनी है कि पूरा अमृतसर का टेस्ट आता है। अच्छा, ये पित्तल का बर्तन है सर, इसमें इसलिए रखते हैं कि पहले पुराने ज़माने में चलते थे, इसका जो सुबह टेस्ट मिलेगा आपको वही टेस्ट आपको शाम तक मिलेगा। इसके लिए भी पित्तल का बर्तन है ताकि ये ठंडी रहे। सर ये मूली और प्याज और नमक इमली, लोग पित्तल के भांडे भूल गए, इसलिए हम लोगों को बताना चाहते हैं कि पित्तल के भांडे यूज़ किया करिए, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो इनके यहाँ पे ना कुछ कुलचाज हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें एक तो पैटी कुलचा, एक चुरचुर नान। तो करते हैं ट्राई, अभी देखते हैं ये मेकिंग क्या है, कैसे बनता है, क्यों खास है। आप देखोगे ना आपको मज़ा आने वाला है। लो जी दिखाओ जी क्या खास है इसमें। ले लो जी लेयर से लो। अच्छा ये काफ़ी सारी लेयर्स हैं इसकी है ना जी। क्या ये अब इसी की पैटी बनाएंगे। अच्छा इसकी पैटी बनेगी। ये आपके लिए मैं स्पेशल एक बना रहा हूँ, लेकिन इस टाइम पे कोई ऑर्डर स्पेशल ही लगता है जी जी, क्योंकि इस टाइम पर हमारा लास्ट ऑर्डर चल रहा है। अच्छा। तो इसलिए ये लिए, ये आ गई हमारी हरी मिर्च, हरी मिर्च लगी है। ये है हमारा अदरक, प्याज, थोड़ी गाजर, धनिया, ये चुकंदर, मटर, ओ बल्ले, कॉर्न। अच्छा ये कॉर्न, ये शिमला, ओ वाह, पनीर। अच्छा और ये अपनी कस्तूरी मेथी, ये अपना सीक्रेट। अच्छा ये सीक्रेट आ गया, ये सीक्रेट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट टेस्ट अनुसार। लो तो मतलब टेस्ट कोई छोड़ा ही नहीं, सब कोई डाल दिया जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सारी वेजिटेबल्स यहीं पे टेस्ट करवा देनी हमने। तो भाई साहब ये आपको सिर्फ और सिर्फ एम्पायर हवेली पे मिलता है। ये अमर भाजी में से मतलब कहाँ से सीखा ये सारा, क्या मतलब ये वाला नान कहाँ से सीखा? बस आप समझ लिए कि घर का ही काम है ये, जो मेरे पापा है जी यहीं पे यही काम करते हैं, उनको 30-35 साल, वो तो बचपन से ही है और समझ लो मैं भी बचपन से यही काम कर रहा हूँ। अच्छा बचपन से मतलब कब से फिर जी? हो गए सर लगभग जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब से यही काम कर रहा हूँ। बल्ले बल्ले, मतलब 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं उससे, हाँ ज़्यादा कह सकते हैं। तो भाई साहब देख लो 32 लेयर के साथ ये बनता है जी कुलचा, और सच में मैंने पहले नहीं देखा ये। अगर आपने देखा है ऐसा कुलचा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अरे पाजी काफ़ी बड़ा साइज बन जाता है ना जी जी। एक बंदा कितने कुलचे खा लेता है वैसे? सर वैसे तो खाने वाले तो चार चार वाले भी हैं। अच्छा खा लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मली है जो एक डेढ़ से ज़्यादा नहीं, और पैटी नान तो एक ही काफ़ी होता है। अच्छा ये तो बहुत मतलब कम चांस होते हैं कि कोई डेढ़ भी खा जाए। ये हमने किनारे जबरदस्त है ना, हमने इसके किनारे काट दिए जो खाली होते हैं, मतलब आपको एक एक बाइट में ना पूरा टेस्ट आना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए आपको वेजिटेबल्स की। तो भाई साहब ये आ रहा है जी अपना पैटी कुलचा रेडी हो गए। ये आ गया तंदूर से बाहर। ओ भाई साहब क्या बात है, देखने में भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और क्रिस्पी लग रहा है देखने में। और ये आ गया जी बटर काफ़ी सारा। ओ बल्ले 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 बल्ले, नाइस। तो काफ़ी सारा बटर लगता है इसके ऊपर। और ये देखिए भाई साहब ये है जी असली मज़ा, क्या बात है। और ये आ गया जी प्लेट के अंदर रेडी। और भाजी ये कौन सा बना रहे हो? ये अभी चूर बना रहे हैं। अच्छा ये भी हमारा स्पेशल ही चल रहा है चूर। अच्छा तो इसमें भी काफ़ी कुछ डलता है, क्या क्या डला हुआ इसमें? सर इसमें जो चूर होता है ना ये नॉर्मली आलू का होता है वैसे। अच्छा तो इसमें हमने गाजर, चुकंदर और थोड़ा ऑनियन मिक्स किया हुआ है। अच्छा जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे चलता रहता हमारा। अच्छा, और ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सब कुछ डाल देते हैं। अगर कस्टमर बोले कि हमें स्पाइसी चाहिए तो मिर्च डाल देते हैं। अच्छा अगर बिना मिर्च के चाहिए तो बिना मिर्च के, बिना अच्छा, मसाले के, अच्छा बिना घी के, जैसी भी रिक्वायरमेंट कस्टमर की होगी। अच्छा
और ये भी आटे के और ये चूर चूर नान है, इसको क्रम्स लगा के हम थोड़ा क्रिस्पी कर देंगे। अच्छा, वैसे तो हमारे नॉर्मली चूर चूर ही होते हैं, लेकिन कई कस्टमरों को होता कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो अमन जी ये कौन से लगा रहे हो अभी? ये ही आटे वाले आलू प्याज है स्पेशल। अच्छा, अपने रेगुलर ज्यादा यही चलते हैं, ये आटे वाले आलू प्याज। अपनी खासियत यही है कि मेन आटे की बनते हैं। हाँ जी, छोले का ही खास अपना बिना तड़का बिना लहसुन अदरक प्याज के ना, वो जैसे पुराने समय से चलते आ रहे सादे चने, उसमें लहसुन नहीं होगा, प्याज नहीं होगा, तड़का नहीं होगा, लेकिन टेस्ट होगा। टेस्ट इसलिए होगा क्योंकि उसका बर्तन जो पीतल का होगा। ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, ये बता गए कि भाई पीतल के बर्तन और जो तांबे के बर्तन होते हैं ना, उसमें खाने की चीज़ें हेल्दी रहती है, पानी पियो या उसमें खाना बनाओ। तो उसी हिसाब से हमारा जो चने का बर्तन रहता है वो तांबे का ही रहता है। आप चाहे चटनी खा लो, क्या बात है, आप चाहे चटनी चने ले लो, चटनी ले लो। ओह, तो भाई साहब दोनों चीज़ें बहुत टेस्टी है, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। एड्रेस डिस्प्ले पे आपको अभी शो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको कहूँगा इधर आते हो ना तो एक बार आके टेस्ट ज़रूर करना, मज़ा आ जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। और मैं अब करता हूँ जी फूड को फिनिश, फूड को इन्जॉय, और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसी टाइप से नई नई वीडियो, नई नई लोकेशंस, फूड लोकेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।